ये शीट नंबर 30 है आपकी बुकलेट की। तो कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है सीरीज पैरेलल का। क्या कॉन्सेप्ट है? कैपेसिटर्स अगर सीरीज में है तो चार्ज की वैल्यू सभी कैपेसिटर्स पे क्या रहेगी? एग्जैक्टली सेम। कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में है, पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के ऊपर क्या रहेगा? एग्जैक्टली सेम। बस ये रूल है। तो अगर मैं सपोज करो आपसे ये बोलता हूं कि मेरे पास कुछ तीन कैपेसिटर्स हैं या दो या तीन जितने भी कैपेसिटर्स हैं, सच दैट ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर, ये किस में कनेक्टेड है? सीरीज। चार्ज की वैल्यू हर के ऊपर क्या रहेगी प्लेट पे? सेम। अगर मैं इसे एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर और तीन कैपेसिटर मोड़ दूं, इस तार को मोड़ दूं, मोड़ दे दिया, तो भी ये किस में रहेंगे? इन सीरीज। फर्क क्या पड़ता है, मुड़ गई या ऊपर मुड़ जाए नीचे मुड़ जाए, कोई फर्क नहीं, सीरीज ही रहेगा। मैं अगर इसको ऐसे लगा दूं, ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर, तब भी ये किस में रहेंगे? इन सीरीज। अगर मैं इसे ऐसे लगा दूं, ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर है, देखने में लगेगा कि ये दोनों किस में है? इन पैरेलल। नहीं, तो आपने क्या बोलना है, ये सबके सब किस में है? इन सीरीज। क्लियर है यहां तक? क्योंकि एक वायर में जितने भी कैपेसिटर्स लगे होंगे, चाहे वो सीरीज वायर है, चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी जैसे मर्जी वायर है, तो ये किस में कनेक्टेड है? सीरीज। अगर मैं ये कहूं कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर एस है, दूसरा कैपेसिटर एस है, तीसरा एस है, तो ये किस में कनेक्टेड है? सीरीज। पर अगर मैं ये कहूं कि एक और कैपेसिटर है ऐसा, तो क्या C1, C2, C3 सीरीज में होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहां से जो चार्ज आएगा, वो ये कैपेसिटर कुछ चार्ज इस प्लेट को देगा और कुछ इसको देगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो चार्ज एक प्लेट एक कैपेसिटर से आ रहा है, ये जंक्शन बोलते हैं, ये क्या है? इसका वायर्स का जंक्शन है। जंक्शन पे आते ही मान लो क्यू चार्ज है, Q1 एंड Q2, सेम चार्ज नहीं हो सकता, तो ये तीनों बिल्कुल भी सीरीज में नहीं है। और अब ये और ये भी सीरीज में नहीं है, क्योंकि इसका चार्ज कुछ इसको जाएगा, तो इन तीनों का चार्ज अब सेम नहीं रहेगा, ना तो ये सीरीज में है ना ये सीरीज में है, लेकिन ये अभी भी सीरीज में है दोनों। क्यों? क्योंकि जो भी चार्ज इसको मिला Q' वही इसको मिल जाएगा Q'। तो अब सिर्फ ये दोनों के दोनों किसमें? इन सीरीज है। आपको स्टूडेंट बोला कि ठीक है ये मान गए सीरीज है, समझ में आ गया, तो ये दोनों किस में है, यानी कि पैरेलल? नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर कोई कैपेसिटर सीरीज में नहीं है, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो कैपेसिटर पक्का पैरेलल में होंगे ही होंगे। हो सकता है दो कैपेसिटर सीरीज में भी ना हो, और हो सकता है वो पैरेलल के अंदर भी ना हो। अब कैसे चेक करना है इसे, इसको डिस्कस करते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है अभी बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास ये एक कैपेसिटर है, आपके पास ये एक और कैपेसिटर है और ये कॉम्बिनेशन है, तो ये किसमें है? इन पैरेलल। पैरेलल क्यों? वैसे तो आपको लग ही रही है पैरेलल है, लेकिन अगर मैथमेटिकली प्रूव करना है कि प्रूव करो ये पैरेलल है, तो ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन नहीं है, ये तो वायर मुड़ी हुई है। जंक्शन का मतलब एक तार आ रही है इधर, एक ऊपर जा रही है, ये जंक्शन है। दिस इज नॉट अ जंक्शन, क्योंकि यहां पर एक वायर मुड़ी हुई है, फोल्ड हो रही है। तो सिंपल, सीधा हो या मुड़ी हो क्या फर्क पड़ता है, ये भी जंक्शन नहीं है और ये भी जंक्शन नहीं है और ये भी जंक्शन नहीं है। तो जंक्शन क्या है? सिर्फ ये और ये एक जंक्शन है। क्लियर है? मान लो पीछे से बैटरी वूटरी से कनेक्टेड है, जैसे सपोज करो इसको बैटरी से कनेक्ट कर ही देता हूं, ये देखो ये बैटरी से कनेक्टेड है, सच दैट ये टर्मिनल V1 है, ये टर्मिनल V2 है। ठीक है, बड़े वाला V1 छोटे वाला V2 है। एक बात बताओ, इस वायर की कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, और हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि अगर किसी वायर की रेजिस्टेंस नहीं है और अगर ये V1 पोटेंशियल पे है, तो इसका दूसरा कोना भी कितने पोटेंशियल पे होगा? V1 पे होगा, ऐसा डिस्कस किया था। तो अगर ये V1 है, इस वायर का एंड यहां पर हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर अगर ये V1 पे है, तो ये वाला कोना भी किस पे होगा? V1 पे, क्योंकि वायर की रेजिस्टेंस नहीं है, तो जहां रुकेगी वहां V1 हो जाएगा। ऐसी अगर ये V2 पे है, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं और कैपेसिटर नहीं है, रास्ते में रुकावट नहीं है, तो यहां पर ये पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? V2। क्या स्टेप क्लियर है? तो यहां पर V1 का V1 हो गया और V2 का V2 हो गया। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? अब ये बताओ कि अगर ये V1 है,
आगे फर्दर एक वायर इसको कंटिन्यू कर रही है, दूसरी वायर इसे से कंटिन्यू कर रही है, तो अगर ये V1 है, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच में, तो ये प्लेट मेटल की है, ये भी क्या एक्वायर कर लेगी? V1, क्योंकि अगर ये वायर यहां जा रही है तो ये पॉइंट भी एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? V1, क्योंकि जब वायर की रेजिस्टेंस नहीं है तो V1 और V1, तो ये V1 तो ये भी V1, क्लियर है? उसी तरीके से अगर ये V1 तो नीचे से भी ये प्लेट किस पे हो जाएगी? V1 पे हो जाएगी, क्लियर है यहां तक? और ऐसी अगर ये V2 है तो ये क्या हो जाएगा? V2, और ऐसे ये क्या हो जाएगा? V2, क्या ये पॉइंट क्लियर है? V1, V1, V2, V2, ठीक। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट का क्या है? V1 माइनस V2, इसमें क्या है? V1 माइनस V2, तो ये किसमें कनेक्टेड है? इन पैरेलल। तो कैसे देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? जिस आपको बताता रहूंगा, पैरेलल प्रूफ करता रहूंगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप देखते ही बता देंगे पैरेलल और सीरीज। पर कैसे चेक करना है पैरेलल सीरीज, एटलीस्ट वो आपको पता होना चाहिए, ठीक? सर इसमें रेजिस्टर नहीं लगा हुआ, इसलिए रेजिस्टेंस नहीं है ना? हाँ, इसमें रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई तभी ऐसा हो रहा है। अगर रेजिस्टर लगी हो वो अगले यूनिट का काम है, इसमें नहीं करेंगे। ओके सर। ठीक है यहाँ तक? तो अब ट्राई करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन इस शीट में हम ट्राई करते हैं, ये वाला, ये वाला। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ए और बी दो पॉइंट्स गिवन है, आपको इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है ए और बी के, ठीक। तो ए और बी की अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले ये बताओ मुझे 60 60 और 60 किसमें कनेक्टेड है? इन सीरीज। क्यों? क्योंकि ये वायर यहां से आई फिर मुड़ गई, कोई बात नहीं, मुड़े ना मुड़े क्या फर्क पड़ता है, एक ही वायर का ये पार्ट है, तो जो भी चार्ज यहां आएगा वो यहां जाएगा और वो यहां भी जाएगा, तो ये तीनों के तीनों किसमें कनेक्टेड है? इन सीरीज। क्या ये स्टेप क्लियर है? अच्छा, अब इधर देखते हैं, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है? इन पैरेलल। देखो सीरीज में देखना ईजी है, सीरीज में है या नहीं है वो बड़ा आसानी से दिख जाता है, पैरेलल में है या नहीं है वो इतनी आसानी से दिखता नहीं है। हाँ, लेकिन काफी लोग मुझे कहेंगे दिख तो रहा है पैरेलल है, लग तो रहा है पैरेलल है। देखो लगने की कोई साइंस नहीं है, आपके मन को लगा कि ये पैरेलल है तो ये पैरेलल है, ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई फिजिक्स नहीं है, ठीक है? आप बाय प्रैक्टिस जरूर बोल सकते हो कि ये पैरेलल है, लेकिन लॉजिकली अगर आपको ये देखना है कि सच में पैरेलल है या नहीं है, तो आप एक काम करेंगे, जैसे सपोज ये एक जंक्शन है, इस जंक्शन का पोटेंशियल मान लो V1 है, तो ये V1 है तो ये वायर यहाँ आ रही है, तो ये भी प्लेट किस पे होगी? V1। अगर ये V1 है तो वायर यहाँ पे आ रही है, तो ये भी किस पे है? V1। ये एक जंक्शन है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? V2। तो अगर ये V2 है तो ये प्लेट भी किस पे है? V2। और ये प्लेट भी किस पे है? V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का एग्जैक्टली सेम है, तो ये किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल। अब कोई कहेगा कि सर इसमें मुझे करके देखना पड़ेगा, ये मैं हर बार मैं V1 V2 नहीं करके नहीं, आपको वैसे दिखा रहा हूँ कि देखो ये पैरेलल में है। और कैसे? जो अगर तो आपको डायरेक्टली पता लग गया पैरेलल है फिर तो बात खत्म, नहीं पता लगा फिर आप भी तो टेक्निक लगाओगे देखने के लिए, तो मैं टेक्निक साथ साथ लगा के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि एग्जैक्टली कैसे देखते हैं पैरेलल है कि नहीं, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा चक्कर है नहीं, तो आप वैसे ही पता कर सकते हो ये पैरेलल है, बात खत्म है इसमें, ठीक है यहाँ तक? तो इस केस में ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं, तो एक बात बताओ अगर ये तीन सीरीज में है तो हम एक काम करें, इन तीन की जगह अगर हम एक कैपेसिटर लगाएं जिसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलते हैं, तो क्या होगा? ये तीनों सीरीज में है तो 1/C इज 1/60 1/60 1/60, सॉल्व करके सी की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो इन तीनों की जगह मैं एक कैपेसिटर लगा सकता हूं तीन की जगह जिसकी वैल्यू कितनी है? 20। क्लियर है यहां तक? अब ये देखो 10 और 10 किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल। तो इन दो की जगह अगर मैं एक कैपेसिटर लगाऊं 10 और 10 पैरेलल में, तो C1 प्लस C2 आंसर क्या आएगा? अगेन 20। इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं 40 को एज इट इज। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसका इजी डायग्राम आ गया। अब मुझे ये पता लग रहा है कि 20 और 20 किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल। अब कोई कहेगा कैसे? दिख ही रहा है जी, पर अगर मुझे प्रूफ करना हो अपने मन में, देखो किसी को दिखाना नहीं है ये, तो ये जंक्शन अगर मान लो V1 पे है, तो ये V1 है तो ये प्लेट भी V1 है, ये V1 है तो ये प्लेट भी V1 है,
ये जंक्शन अगर वी टू है तो ये वी टू, तो ये भी वी टू है और ये भी वी टू है, तो वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर है यहां तक? तो इस केस में अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 20 प्लस 20 क्या होगा? 40। तो इसको तो मैंने टच ही नहीं किया 40, इन दोनों की जगह लगाया 40। अब ये दोनों किसमें कनेक्टेड है? इन सीरीज। तो सीरीज के अंदर 1/c इज 1/c1 प्लस 1/c2, सॉल्व करके c की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें कैसे सोचना समझ में आ रहा है? तो कुछ क्वेश्चंस और कुछ वैरायटी आज मैं करवाऊंगा आपको, डिफरेंट वैरायटीज करवाऊंगा सारी, फिर मैं आपको घर से सॉल्व करने के लिए आज कुछ काम दूंगा जिसमें सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट आप लगा के नेक्स्ट टाइम आएंगे और ट्राई करेंगे कि सीरीज पैरेलल की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है असाइनमेंट में। ठीक है यहां तक? इस क्वेश्चन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने, बिना देखे निकालने प्लीज, आंसर क्या होगा?
इसके अंदर कितने लोगों ने 6 और 4 को पैरेलल में लगाया? नहीं लग तो रहा है, लगा है। देखो सच में लगाया होगा, किसी ने तो लगाया होगा, नहीं लगाया? ठीक है, लगाया होगा, मैं बता रहा हूँ, हो जाता है, लगते हैं ये पैरेलल। देखो फिजिक्स में लगना कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई साइंटिस्ट ने कहा कि अगर आपको लगता है पैरेलल तो ये पैरेलल लगा दो, ऐसी कोई लॉ नहीं है। तो पहली बात ये कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप पहले इसको देख लेते हैं दोनों को, ये दोनों तो पक्के ही पैरेलल हैं क्योंकि लग रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहे तो लेट अस सपोज ये जंक्शन है वी वन, ये जंक्शन है वी टू, तो अलग अलग जंक्शन का अलग अलग पोटेंशियल होता है। ये जंक्शन नहीं है तो यहाँ कोई लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये वी वन है तो ये प्लेट भी वी वन है, ये वी वन है तो ये प्लेट भी वी वन है, ये वी टू है तो ये वी टू है, ये वी टू है तो ये भी वी टू है। पोटेंशियल डिफरेंस वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू, तो दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। पहला रूल क्लियर। नेक्स्ट, अब ये बताओ कि ये एक जंक्शन है और ये एक जंक्शन है, चलो मेरे को नहीं पता लगा कौन पैरेलल सीरीज, तो लेट अस सपोज ये वी वन है और सपोज ये वी टू है। अगर ये वी वन है तो ये प्लेट भी वी वन है, ये प्लेट भी वी वन है। अगर ये वी टू है तो ये भी वी टू है, ये वी टू है और ये वी टू है। अब इन प्लेट का मुझे नहीं पता ये क्या पोटेंशियल है, क्योंकि मैं V2 के साथ V2 नहीं कर सकता, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो गया फिर एक कैपेसिटर लगाने का फायदा ही क्या है, वो चार्ज स्टोर ही नहीं करेगा, तो मुझे नहीं पता ये क्या होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों कम से कम पैरल में, या ये दोनों पैरल में नहीं होंगे क्योंकि ये वी वन माइनस वी टू है और ये मुझे पता नहीं क्या है, तो कम से कम ये पैरल में नहीं है, राइट। हाँ ये जरूर है कि ये एक वायर का पार्ट है, ये देख रहे हो ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो अगर ये सीरीज में है, 6 और 12 सीरीज में है, तो देखो एक चीज याद रखना, सीरीज में या तो ये फॉर्मूला लगता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, या फिर इसको एलसीएम लेके देखोगे ना तो आंसर ये आएगा C1 into C2 by C1 plus C2, एक ही बात है। तो या तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, एक ही बात है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां पर? ठीक है, तो इसमें ये दोनों अगर आप देखें पैरेलल में है तो 2 + 2, इसकी जगह एक कैपेसिटर लगा दें 4, इधर से 6 और 12 सीरीज में है तो 6 और अगर 12 सीरीज में, तो 6 × 12 / 6 + 12 आंसर क्या आएगा? अगेन 4। तो इन दोनों की जगह 4, ये तो है ही 4, इन दोनों की जगह 4। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो 4 और 4 टोटल कितना हो गया? 8। इसको नहीं टच किया, इसको सी रहने दिया, ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज। तो 1/C = 1/8 + 1/4 आंसर क्या आएगा? 8/3। तो इन दोनों की जगह क्या लगाया? 8/3। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज, एक के बाद एक लाइन, देखो तार मुड़ी हुई है, 1 और 8, तो 1/C, 1/1, 1/8, सी कितना आएगा? 8/9। तो इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगेगा कितना? 8/9। अब फिर से साफ पता लग रहा है कि ये दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल। कैसे? अगर ये वी वन है तो ये भी वी वन है, तो ये भी वी वन है, अगर ये वी टू है तो ये भी वी टू है, ये भी वी टू है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 - V2, V1 - V2, तो किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल। तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, 8/3 + 8/9 सॉल्व करके 32/9, तो इन दोनों की जगह आप एक कैपेसिटर लगा दो 32/9, इसको तो मैंने टच ही नहीं किया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन 1, आपको सी निकालना है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दोनों सीरीज में है ये, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी? 1/C = 1/C + 1/32/9, तो इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की 1 गिवन है, तो आप यहां से सॉल्व करके क्या निकालेंगे? सी निकालेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो कैसे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, होमवर्क दूंगा आपको करने के लिए, आप खुद प्रैक्टिस करना, बट यहां तक समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को एक बार देखना प्लीज, कैसे करेंगे।
तो देखो इसमें पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट आपको कैपेसिटेंस निकालनी है। आपको इसमें सी और सी वन दो कैपेसिटर्स का पैटर्न गिवन है, आपको पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। अगर इस टाइप का नेटवर्क हो तो आप पी और क्यू में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब निकाल लें तो आप पी और क्यू से तो बिल्कुल भी स्टार्ट ना करें, हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है। तो चलते हैं पीछे, क्योंकि साफ पता लग रहा है कि ये दोनों किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज। तो अगर ये सीरीज है तो इसकी जगह मैं एक कैपेसिटर लगा सकता हूँ, तो जो एक कैपेसिटर आएगा वो ऑटोमेटिकली इसके साथ किस में कनेक्टेड हो जाएगा, इन पैरेलल। तो जब ये तीन कैपेसिटर की जगह एक कैपेसिटर आएगा वो ऑटोमेटिकली इसके साथ इन सीरीज, फिर जो ये सबका एक कॉम्बिनेशन आएगा वो इसके साथ इन पैरेलल। तो इसमें होगा क्या, ये दोनों सीरीज में जो आंसर आएगा इसके साथ पैरेलल में, फिर तीनों का एक कैपेसिटर आएगा इसके साथ सीरीज में, जो आंसर आएगा इसके साथ पैरेलल में। इन सब की जगह जब एक कैपेसिटर लगेगा इसके साथ सीरीज में, जो आंसर आएगा इसके साथ पैरेलल में। इन सब की जगह जो एक लगेगा इसके साथ सीरीज में और जो आंसर आएगा इसके साथ पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में। लंबा क्वेश्चन है तो आप करते रहो बैठ के सीरीज पैरेलल और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना। तो यहां से स्टार्ट करना है, सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल एंड सीरीज। क्या ये पॉइंट क्लियर है, मैंने खुद नहीं किया, लंबा क्वेश्चन है इसलिए छोड़ दिया आपके लिए, आप करते रहना ट्राई। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा ये करो, अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में?
देखो इसमें क्या करना है आपको कि मुझे ये बताओ क्या ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हो सकते हैं? लग रहा है आपको हाँ या ना? लगने का तो प्रिंसिपल ही नहीं ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चार्ज यहां से आएगा, या अगर ये चार्ज कैपेसिटर इनको देना चाहे या आगे देना चाहे, वो बराबर चार्ज दे नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी चार्ज है वो इधर और इधर डिवाइड होने वाला है। कई लोग बोल रहे थे कि करंट अगर आएगा, करंट, भाई करंट तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ये पूरा अरेंजमेंट अगर बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो सारे कैपेसिटर चार्ज हो चुके हैं फुली, और अगर हर के पास फुल कैपेसिटी चार्ज है तो चार्ज यानी कि मैक्सिमम हो चुका है सबके ऊपर, यानी कि कांस्टेंट है। तो करंट क्या होगा? करंट क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। अगर क्यू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या है? जीरो। तो कैपेसिटर में करंट नहीं होगा जब वो फुली चार्ज होगा। शुरू में होगा जब बटन दबाते हैं, कि याद है लास्ट टाइम डिस्कस किया था बैटरी का बटन दबाया तो तब होगा। क्यों? क्योंकि वो चार्जिंग में होगा, उस टाइम क्यू मैक्स नहीं होगा। लेकिन एक बार फुली चार्ज हो गया तो कैपेसिटर अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं देगा, और हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं फुली चार्ज पे करते हैं। ये फुली चार्ज क्यू है तो अब कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर से करंट पास हो नहीं सकता। तो करंट तो इसमें वर्ड यूज करना ही नहीं है गलती से भी, राइट? क्योंकि कैपेसिटर अपने अंदर से डीसी करंट को, बैटरी के करंट को पास नहीं होने देता। ठीक हो गया। अब ये दोनों सीरीज में नहीं है। चलो जब शुरू में बैटरी ऑन की होगी उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो ये चार्ज आया होगा कुछ इधर कुछ इधर, तो बराबर चार्ज तो नहीं है तीनों के पास, तो ये तीनों सीरीज में तो है नहीं। ये दोनों भी सीरीज में नहीं, बीच में जंक्शन आ रहा है। ऐसे ये भी सीरीज में नहीं है। चलो पैरेलल लगा लेते हैं। तो क्या ये और ये पैरेलल में? ऐसा देखने में लगता है कि हाँ यार ये पैरेलल है, कभी कभी लगता है, पर लगने से कुछ होता नहीं। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं। तो आपने क्या करना है? टेस्ट करना है। जैसे अगर ये V1 है तो ये V1 है, तो ये प्लेट भी V1 है। अगर मान लो ये V2 है तो ये प्लेट भी V2 है, ये प्लेट भी V2 है। ये अगर V3 है तो ये V3 है, ये V3 है। ये जंक्शन अगर V4 है तो ये V4 है, ये V4 है। किसी भी हालत में पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कैपेसिटर का सेम है ही नहीं। तो ये सीरीज में तो बिल्कुल भी नहीं है, पैरल में भी नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये पैरल कॉम्बिनेशन भी नहीं है। ठीक है यहां तक? अब सीरीज नहीं है, पैरेलल नहीं है, इसमें आपको क्या करना है? सपोज करो यहां का पोटेंशियल V1 है। समझ नहीं आ रहा मुझे, अब मैं ये चेक करने वाला हूं कि क्या ये पैरेलल में है कि नहीं। तो सपोज ये V1 है, अगर ये V1 है तो ये प्लेट भी V1 पे है, और यहां से इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये जंक्शन ऑटोमेटिकली किस पे हो जाएगा? V1 पे। अगर ये V1 है तो ये किस पे हो जाएगी प्लेट? V1 पे। और ये भी किस पे हो जाएगी? V1 पे। ऐसी इस जंक्शन का पोटेंशियल अगर V2 है, देखो हर जंक्शन का डिफरेंट पोटेंशियल है, अगर ये V2 है तो ये प्लेट भी किस पे हो जाएगी? V2। और इधर से ये प्लेट भी किस पे हो जाएगी? V2। ये प्लेट भी किस पे हो जाएगी? V2। एटलीस्ट मुझे दिखना स्टार्ट हो गया V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। तो ये किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल। जो दिख नहीं रहा था, कैसे पता करना है पैरेलल है कि नहीं, समझ में आ रहा है यहां तक? तो देखो मैंने एग्जैक्टली यही कुछ किया हुआ है इसमें दिखाने के लिए, कि अगर ये V1 है तो ये V1 है, तो ये भी V1 है, ये भी V1 है, और ये भी V1 है। अगर ये जंक्शन V3 है तो ये V3 है, ये V3 है, और ये V3 है। अगर ये जंक्शन V2 है तो ये V2 है, ये V2 है, और ये V2 है। अगर ये जंक्शन V4 है तो ये V4 है, ये भी V4 है, ये भी V4, और ये भी V4 है। साफ पता लग रहा है V1 माइनस V3, V1 माइनस V3, तो ये दोनों किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल। V3 माइनस V4, सॉरी V2 माइनस V4, V2 माइनस V4, तो ये भी किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल। इनको तो मैंने छेड़ा ही नहीं, तो इनका इक्विवेलेंट डायग्राम अगर हम बनाएं तो ऐसा बनेगा। देखो ए का ए, इस जंक्शन का ये जंक्शन, ये दोनों पैरेलल में, तो ये देखने में हमने ऐसे बना दिए पैरेलल में। इसको मैंने टच नहीं किया, इसको मैंने टच नहीं किया, ये दोनों किसमें? पैरेलल में। और बी का बी बाहर आ गया, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हो गया, जिसमें ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों यहां नीचे पैरेलल, क्योंकि ये ऊपर पैरेलल में, ये नीचे पैरेलल में, सी और सी एज इट इज।
अब क्वेश्चन इजी है करना, बताओ ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों की जगह जब एक कैपेसिटर लगेगा सी प्लस सी क्या लगेगा, टू सी, ये क्या है सी, इधर से ये सी और सी प्लस सी पैरेलल में टू सी, ये टू सी और सी किस में है, इन सीरीज, सीरीज के अंदर फॉर्मूला लगा लो टू सी वन इंटू सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, सॉल्व करके क्या आएगा टू सी बाई थ्री, ऐसी टू सी और सी सीरीज में है तो ये भी टू सी बाई थ्री, अब ये और ये किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, पैरेलल में इन दोनों को ऐड कर दें आंसर आएगा फोर सी बाई थ्री, तो आंसर आ गया फोर सी बाई थ्री। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे करना है सॉल्व? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना प्लीज, इसका आंसर क्या होगा। सर वो लास्ट वाला सीरीज में जो टू सी बाय थ्री, टू सी बाय थ्री, लास्ट वाला सीरीज कैसे हुआ, ये दोनों पैरेलल में ये रहा, ये एज इट इज, ये एज इट इज पैरेलल में ये रहा, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, तो इसकी जगह एक कैपेसिटर, इसकी जगह एक कैपेसिटर, ये दोनों पैरेलल में नहीं है। अच्छा कंफ्यूजन है आपको लग रहा है, ऐसे कर लो ये जंक्शन ले लो वी वन, ये जंक्शन ले लो वी टू, अगर ये वी टू है तो ये प्लेट भी वी टू है और ये प्लेट भी वी टू है, अगर ये वी वन है तो ये भी वी वन है और ये भी वी वन है, तो वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू पैरेलल है, क्लियर है? यस सर। इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखो इसमें क्या करना है, पहली बात क्या ये वन और वन सीरीज में है, हाँ या ना, नहीं, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है जंक्शन आ रहा है तो नहीं हो पाएगा। फिर ये दोनों पैरेलल में हैं, ये वाले और ये वाला, देखने में लगता है कि चलो ये पैरेलल में हो सकता है लेकिन पक्का नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको टेस्ट करना पड़ेगा। कैसे टेस्ट करना है, मान लो ये जंक्शन का पोटेंशियल वी वन है तो ये प्लेट भी किस पे हो जाएगी वी वन, तो ये प्लेट भी किस पे आ जाएगी वी वन, ऐसे। तो मान लो ये जंक्शन किस पे है वी टू, तो ये प्लेट भी किस पे आ जाएगी वी टू और ये प्लेट भी किस पे आ जाएगी वी टू। मान लो ये जंक्शन है वी थ्री, तो ये अगर वी थ्री तो ये किस पे आ जाएगा वी थ्री और ये किस पे आ जाएगा वी थ्री, ऐसे। पोटेंशियल डिफरेंस वी वन माइनस वी थ्री, वी टू माइनस वी थ्री, वी वन माइनस वी टू किसी भी हालत में कोई भी पैरेलल में है ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो सीरीज में भी नहीं है, पैरेलल में भी नहीं है। चलो अब ये छोड़ देते हैं, ये ले लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं। सीरीज में तो नहीं है कम से कम, तो एक काम करते हैं इसका डायग्राम बना के देखते हैं। अगर ये पोटेंशियल वी ए है, देखो इस मोड का पोटेंशियल मत लेना, मोड़ों का पोटेंशियल नहीं होता, होता है हम लेते नहीं, जंक्शन का लेते हैं, जो टर्न है वायर को मोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो हम जंक्शन का नया पोटेंशियल लेते हैं। तो ये अगर VA है और अगर कोई मुझे कहे कि यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, देखो वैसे तो हम लेंगे नहीं, पर अगर ले भी लेंगे तो भी क्या होगा, VA ही होगा, कई फर्क पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि वायर के बीच में रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही तो होगा, चाहे वायर लंबी हो चाहे
छोटी हो, तो ये वी ए तो ये भी वी ए, ये वी ए तो ये भी वी ए, ये वी ए तो ये और ये भी वी ए वी ए। अब इधर आ जाओ, ये वी वन, ये वी वन तो ये वी वन, ये वी वन और ये भी वी वन, ये वी ए तो ये वी ए, ये वी बी, ये वी बी और ये वी बी। एटलीस्ट ये तो पैरल में नहीं है, इसे देखें, वी ए माइनस वी वन, वी ए माइनस वी वन, बात बन गई। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर्स का एग्जैक्टली सेम है, तो दे आर कनेक्टेड इन पैरल। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो पैरल कॉम्बिनेशन हो गया, जो देखने में नहीं लगता था लेकिन एक्चुअल में ये पैरल में निकले। तो कैसे टेस्ट करना है समझ में आ रहा है? हाँ, प्रैक्टिस ही हो जाएगा अपने आप। ये नहीं है कि आप, मतलब मैं कोई मन से कुछ भी ले रहा हूँ पोटेंशियल वी वन वी टू, जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को समझ में आएगी बातें। तो अब एक काम करते हैं, ए का ए, ये दोनों कैपेसिटर्स पैरल में है, वन और वन, वन और वन, टू, वन सी वन प्लस सी टू, तो इसकी जगह एक कैपेसिटर लगा दिया टू, तो ये वायर हट गई, ये इसके साथ मर्ज हो गया टू, ना तो मैंने इसको छेड़ा ना मैंने इसको छेड़ा। इक्विवेलेंट डायग्राम क्लियर है? ठीक है यहाँ तक। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में, ये सी वन ये सी टू, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी? सी वन इंटू सी टू बाई सी वन प्लस सी टू, और ये क्या है? टू माइक्रोफेरेड। अब ये और ये किस में कनेक्टेड है? पैरेलल। तो नेट आंसर क्या आएगा? इन दोनों को ऐड कर दो आंसर, 8/3 इज द आंसर। कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर, यस यस। ठीक, अब ये क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। इस डायग्राम को देखना और चेक करो क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर सीरीज पैरेलल का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, ये क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसे पांच कैपेसिटर्स गिवन है जिसमें कि सी वन सी थ्री सी फाइव सी टू और सी फोर। ठीक, तो ये पांच कैपेसिटर्स गिवन है, तो मैंने सोचा कि चलो वो वी वन वी टू वी ए वी बी करके शायद कुछ बात बन जाए। तो पहले मेरे दिमाग में आया कि ये तीनों सीरीज में होंगे, पर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो भी चार्ज यहां से आएगा, जंक्शन आ गया, कुछ ऊपर कुछ नीचे, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये सीरीज में नहीं हो सकते। ठीक है यहाँ तक। फिर मैंने सोचा ये पैरेलल में होंगे, अब लग रहे हैं पैरेलल में लेकिन एक्चुअल में पैरेलल में है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। कैसे? मान लो ये जंक्शन वी ए, अगर ये वी ए तो ये प्लेट भी वी ए, ये वी ए तो ये भी वी ए, ये मान लो वी बी तो ये भी वी बी, ये भी वी बी, और साथ में ये प्लेट भी वी बी, अगर ये वी सी तो ये वी सी, ये वी सी, ये वी डी तो ये वी डी, ये वी डी और ये भी वी डी। तो जब मैंने चेक किया तो सीरीज में तो मेरे को कुछ मिला नहीं, पैरेलल में भी नहीं मिला। देखो, वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी डी, वी डी माइनस सी सी, कहीं पर भी दूर दूर तक पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी दो कैपेसिटर्स का सेम है ही नहीं, कि पैरेलल में तो है नहीं कम से कम। क्या पॉइंट क्लियर है? राइट, क्लियर है यहाँ तक कि पैरेलल में ना ये सीरीज में ना ये पैरेलल में। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट यूनिट हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिखेगा आपको, रोम्बस टाइप, रोम्बस और साथ में एक वायर, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है जो किसी वर्ल्ड वॉर में आर्मी वाले यूज किया करते थे, कि कुछ यहां जाएंगे, कुछ यहां जाएंगे, कुछ यहां जाएंगे, कुछ यहां जाएंगे और कुछ बीच में रहेंगे, ऐसा कुछ। तो वो शेप से ये नाम आया व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इस ब्रिज की क्या खास बात है कि अगर ये रेजिस्टेंस है, हम करेंगे रेजिस्टेंस में, अगर यहां और यहां के रेजिस्टेंस की रेशियो
और यहाँ की रेजिस्टेंस की रेशियो बराबर हो, तो जैसे 2/4 इज इक्वल टू 3/6 बराबर आ रही है, इसको बोलते हैं कि ये ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और याद रखना, अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या होगा, सेम, वी ए इज इक्वल टू वी बी, वो सेम होगा। और अगर ये सेम होगा, वो क्यों सेम होगा, इसका प्रूफ हम इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे, आज नहीं कर रहे, अभी हम याद कर रहे हैं रिजल्ट कि ये अगर रेशियो सेम होगी तो ये और ये पोटेंशियल में सेम होंगे, और अगर पोटेंशियल में सेम होंगे तो इस वायर में कभी करंट नहीं जाएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, और अगर करंट नहीं जाएगा तो इस रेजिस्टर को उठा के फेंक दो, ये चाहिए ही नहीं, जब करंट ही नहीं जा रहा खाली रेजिस्टेंस लेके क्या करेंगे। वही रिजल्ट कैपेसिटर के अंदर भी एप्लीकेबल है कि अगर आपका कोई अरेंजमेंट कैपेसिटर में ऐसे पांच कैपेसिटेंसेस के अंदर गिवन है, और अगर हम रेशियो निकालें C1 इज टू C2, C4 इज इक्वल टू C5, तो चेक करो C1 इज इक्वल टू C2, C4 इज इक्वल टू C5, तो हर की कैपेसिटेंस इसमें 10 माइक्रोफेरेड क्वेश्चन में गिवन है, तो इस क्वेश्चन में अगर 10 माइक्रोफेरेड गिवन है तो 10/10 इज, मान लो 10/10, तो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में वी बी और वी डी का पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, जीरो। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो का मतलब है कि ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, इसको उठा के फेंक दो। करना क्या है, जो टैंक चार्ज ही स्टोर नहीं कर रहा उस टैंक का क्या करें, इसको हटा दो। हटाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली बस ये बच जाएगा, हटा दिया क्योंकि बैलेंस स्टेट है। अब साफ पता लग रहा है कि 10/10 किस में, सीरीज में, और 10/10 किस में है, सीरीज में, तो 10/10 सीरीज में तो क्या आएगा, 10 × 10/10 + 10 यानी कि 5, और ये भी सीरीज में तो क्या आएगा, 5। 5 और 5 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो 5 + 5 आंसर क्या आएगा, 10। पर ये तभी एप्लीकेबल है जब यहां और यहां की रेशियो क्या हो, सेम। अगर ये सेम नहीं है तो आप इस कैपेसिटर को अपनी जगह से नहीं हिला सकते। तो अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है, उसका तोड़ क्या होगा वो आने वाले टाइम में देखेंगे, पर आपके एनसीआरटी में एटलीस्ट हमेशा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ही आएगा, अनबैलेंस्ड कभी भी नहीं आएगा। वैसे तो मेंस और नीट के अंदर भी अनबैलेंस नहीं आता, क्योंकि अनबैलेंस्ड ब्रिज को सॉल्व करना बहुत लंबा काम है, किरचॉफ लॉ करेंगे कि उससे सॉल्व होता है, एक लंबा काम है, वो छोटा काम नहीं है। तो ज्यादातर क्वेश्चन बैलेंस्ड के ऊपर ही दिखेंगे आपको। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो पहले मेरे को वी ए वी बी वी डी वी सी, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये डायग्राम और ये डायग्राम में लेना देना क्या है, लेना देना है। ये डायग्राम को कन्वर्ट किया गया इसमें, कैसे कन्वर्ट किया, इसमें और इसमें, इसलिए फर्क नहीं है। देखो ए पॉइंट का ए पॉइंट, ये जंक्शन वी ए, ये जंक्शन वी ए, वी ए और बी पॉइंट में वी बी में, वी ए वी बी में कैपेसिटर सी वन, वी ए वी बी में कैपेसिटर सी वन, इधर से वी ए वी डी में कैपेसिटर सी फोर, वी ए वी डी में कैपेसिटर सी फोर, फिर वी बी वी डी में कैपेसिटर सी थ्री, वी बी वी डी में कैपेसिटर सी थ्री, इधर से वी डी वी सी में कैपेसिटर सी फाइव, वी डी वी सी में कैपेसिटर सी फाइव, वी बी वी सी में कैपेसिटर सी टू, वी बी वी सी में कैपेसिटर सी टू। तो ये बिल्कुल सेम डायग्राम है। ये आपको सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको रीड्रॉ करके व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है, तब रेशियो मैच करनी है। अगर रेशियो सेम आ गई, इसको उड़ा देना है, फिर आगे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, नहीं तो होगा नहीं। अब काफी लोग ये सोचते हैं कि ये तो बहुत लंबा काम है, वी ए वी बी वी डी करते रहो फिर बीच में डायग्राम बनाओ, नहीं ऐसा नहीं करना। आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ क्या करना है। शॉर्टकट सिंपल है, नेमिंग चेंज नहीं करनी आपने। इस कैपेसिटर का नाम सी वन है, ये सी थ्री है और ये सी फाइव है, तो ऑड, मैं इसको ऑड बोलता हूँ, ऑड कैपेसिटेंसेस 1, 3, 5, नंबरिंग याद होगी 1, 3, 5, नीचे सी टू ऊपर सी फोर, पोजिशनिंग याद होगी सबकी। इसमें पोजिशनिंग कैसे लगानी है, C1, C3, C5 ऑड वाले ऐसे आएंगे 1, 3, 5, जो कैपेसिटर ऊपर है C4 वो नीचे आएगा C4, और जो कैपेसिटर नीचे है C2 वो ऊपर आएगा C2। बन गया डायग्राम, तो आपको VA VB करने की जरूरत है ही नहीं। तो आप ऐसे ही याद करो C1, C3, C5, C1, C3, C5,
ये कैपेसिटर C4 ऊपर है तो नीचे, और C2 नीचे है तो ऊपर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। लेकिन इसके अंदर न्यूमेरिकल जब आएगा तो न्यूमेरिकल देखो ऐसा आएगा, वो तो थ्योरी है, न्यूमेरिकल में ऐसा आएगा, आपको वैल्यूज गिवन होंगी। तो कुल मिला के 5 कैपेसिटर चाहिए, 1, 2, 3, 4 और 5। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये तो एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसको लगे रहने दो कोने में, कोई दिक्कत नहीं। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है एक्स और वाई की, ठीक है यहां तक? तो रूल नंबर वन, नेमिंग क्या सिखाई थी, C1, C3, C5। ये देखो C1, C3, C5, जो कैपेसिटर नीचे वो आएगा ऊपर, जो ऊपर वो आएगा नीचे। बन गया डायग्राम। अब रेशियो चेक करें, 5:5 इज ऑलवेज इक्वल टू 5:5, तो एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो आप इसे हटा सकते हैं। हटाने पे आपके पास ये डायग्राम बचेगा, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो 5 × 5/5 + 5 आंसर क्या आएगा, 5/2। ऐसे ये दोनों सीरीज में है, 5 × 5/5 + 5 आंसर क्या आएगा, 5/2। इसको नहीं छेड़ना कोने वाले को, ये ऐसे ही पड़े रहने तो जैसा है। तो 5/2, 5/2 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल। तो ऐड करो, इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर आएगा 5, ये कोने में पड़े रहने दो। अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, इन सीरीज। तो 5 × 5/5 + 5 नेट आंसर क्या आएगा, 5/2। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे आपने सॉल्व करना है, ठीक है? तो आपको जो पेपर में आएगा तो आपको इतना लंबा थोड़ा ना करना है, पेपर में तो बस आपने पोजीशनिंग याद रखनी है और ये बनाना है, फटाफट आंसर आ गया। कौन करेगा VA VB VC VD, तो विलो के काम है VA VB करना, मेरे जैसे लगा लगा के दिखाने के लिए कि भी देखो आ गया ना पैरेलल, आ गया। तुमने नहीं करना, तुमने क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस कर लेने हैं कि तुम्हें दूर से समझ में आ जाए कि पैरेलल या सीरीज पे, बस यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है यहां तक? अब जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को क्या प्रॉब्लम है, व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 कैपेसिटर्स होते हैं, यहां पे सिर्फ 3 है, ये उड़ा दिए, कोई बात नहीं वहां भी उड़ा देते हैं। तो C1, C3, C5 है, C1, C3, C5 है, यहां नहीं है तो छोड़ दो, पैर पैर लगा दो, बस सिंपल, लग गई। अब ये तीनों कैसे कनेक्टेड है वो समझाने के लिए मैंने क्या बताया, ये VX है, अगर ये VX है तो ये VX है, ये जंक्शन VY है तो ये VY, ये VY है, तो ये भी VX है, ये भी VX है, और ये भी VX है, और ये VY है तो ये VY और ये VY। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस VX - VY, VX - VY, VX - VY, तो ये तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो ऐड करो, 5 + 5 + 5 आंसर इज 15। क्लियर है यहां तक? इसको करने का एक और छोटा तरीका है, सिर्फ इसको, वो क्या, आप ये डायग्राम मत बनाओ, आप इमेजिन करो कि ये जंक्शन क्या है, V1। अगर ये V1 तो ये प्लेट क्या है, V1। अगर ये V1 तो ये भी जंक्शन किस पे आ गया, V1। अगर ये V1 तो ये प्लेट V1, तो ये प्लेट भी V1। जहां जहां ये जंक्शन जा रहा है हर जगह रेजिस्टेंस नहीं है, तो V1 V1 V1। अब अगर ये जंक्शन V2, तो ये प्लेट V2, ये प्लेट V2, ये पॉइंट V2, तो ये प्लेट भी V2। तो V1 - V2, V2 - V1, या V1 - V2, एक ही बात है, V1 - V2। साफ पता लग रहा है ये किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो वो डायग्राम की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही पैरेलल आ गया आंसर। एक और आसान तरीका है, इससे भी आसान, आज के बाद ऐसा डायग्राम आ जाए ना कुछ करना मत, पैरेलल है, डन। और एक्चुअल में आखिरी मेथड ही चलेगा पेपर में, कौन कर रहा है V1 VX VY, ये क्वेश्चन 3600 जगह दिखेगा आपको, देखते ही पता लग जाएगा, बस बोर हो गया मैं देख के, ये पैरेलल ऐड कर, 5 + 5 = 15 आंसर, यही शॉर्टकट है। बाकी जो मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया सिर्फ समझाने के लिए है, बस करना आपने वही है जो मैंने एंड रिजल्ट दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? जैसे ये क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये है कि आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी की निकालनी है। देखो थोड़े बहुत कैपेसिटर होते तो हम निकाल भी लेते हैं, सीरीज पैरेलल सी इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी में तो मुझे खुद ही नहीं पता ये पैटर्न कितनी बार तक चलेगा। तो यानी कि जैसे ये 1 और 2 है, 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 ऐसे चलते 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 ही जा रहे हैं। राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। देखो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको एक पहले मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे कुछ क्वेश्चन करवाते हैं कि अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, इन्फिनिटी चलता जा रहा है, पैटर्न रिपीट हो, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर मान लो सॉल्व करके आता है एक्स एक्स। तो अगर मैं एक 2 को छोड़ भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है? तो भी आंसर विल रिमेन एक्स, क्योंकि इतने 2 2 2 2 ऐड हो रहे हैं कि उसमें से एक दो गिर भी गया तो फर्क क्या पड़ता है? बात समझ में आ रही है? ठीक। तो अगर मेरे पास, लेट अस सपोज किसी के पास आप लगाओ 1 करोड़ रुपए है, उसको 2 रुपए गिर गए, उठाएगा भी नहीं, अभी भी करोड़पति है, तो आंसर उसका अभी भी एक्स ही रहेगा। तो एक्स एक्स क्या फर्क पड़ता है? दो गेर दो, बिल्कुल वैसे ही है, दो 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 इकट्ठे इतने इकट्ठे कर लिए उसने, एक दो गेर भी दो गई तो भी आंसर सेम है। तो देखो मान लो पूरे का आंसर एक्स, एक दो छोड़ भी दोगे तो भी इसका आंसर एक्स, स्क्वेयरिंग करो क्वाड्रेटिक से आंसर आएगा, ये लॉजिक है। अब हम कैपेसिटर में ये लॉजिक लगाएं, पैटर्न रिपीट हो रहा है, जैसे इसमें पैटर्न क्या रिपीट हो रहा है? 2 2 2 2 2, इसमें रिपीट हो रहा है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, पहला रिपीटिंग पैटर्न को छोड़ दो 1 एंड 2। इमेजिन करो कि 1 और 2 को छोड़ के जितना भी कैपेसिटर्स बचे उनका आंसर क्या है? सी। जितना भी बचा उसका आंसर क्या है? सी। तो अब अगर मैं इन सभी कैपेसिटर्स की जगह एक कैपेसिटर मान लूं सी, तो मेरे पास इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसा बनेगा, 1 और 2 को तो छेड़ा ही नहीं, और ये मान लिया कि यहां से सॉल्व करते 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 यहां तक आंसर क्या आ गया? सी। ठीक हो गया था? तो अगर मैं अब इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालता हूं तो सी और 2 किस में कनेक्टेड है? इन सीरीज। तो क्या आएगा? 2 इंटू सी अपॉन 2 प्लस सी, और जो आंसर आएगा इस 1 के साथ किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल, ऐड कर दो। और फाइनल आंसर में फिर से क्या आ जाएगा? सी, क्योंकि ऐड करने के बाद भी इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में चेंज तो आएगा नहीं, तो आंसर क्या रहेगा? सी। तो इस सॉल्व करके आंसर है सी। तो करें सिंपलीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्वाड्रेटिक बनाएं, और सी की 2 वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगी, पॉजिटिव सेलेक्ट हो जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन को देखें, ये वाला मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे ही एनसीईआरटी का, अब चेक कर लेना। देखो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे एक चीज का आंसर दो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये क्वेश्चन नहीं, वैसे इस क्वेश्चन में मेरे को ये 4 कैपेसिटर्स गिवन है, एक बैटरी गिवन है, और मेरे से वो पूछ रहा है कि इसमें ए और बी पॉइंट्स हैं और इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। चलो मैं नया क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दीज 4 कैपेसिटर्स, आंसर क्या होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, क्या होगी? निकालना
कितना आंसर? 14/3। चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज हाँ या ना। कितने लोग बोलते हैं यस, कितने बोलते हैं नो, क्योंकि बीच में पॉइंट आया हुआ है ए। पॉइंट आने तो जंक्शन तो नहीं है, ये पॉइंट है, ये जंक्शन नहीं है। जंक्शन ये होता अगर एक और ऐसे कैपेसिटर जा रहा होता, ये जंक्शन है। हवा में तो यहाँ से चार्ज आपका लीक होने वाला है नहीं ना, तो जो चार्ज यहाँ पर है वो चार्ज यहाँ पर आएगा। तो दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, और ऐसे ये भी कनेक्टेड इन सीरीज, जो आंसर आएगा आपस में पैरेलल। बिल्कुल ठीक ठीक आंसर निकाल लेना। बस मैं यही देखना चाहता था कि आप इसको देख पा रहे हैं सीरीज या पैरेलल। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए पॉइंट बीच में आ गया, रुकावट है, आपका चार्ज थोड़ा ले रहा है वो, कोई जंक्शन थोड़ी ना है वो। तो ये बिल्कुल फ्लैट वायर है, वैसे ही उसने आर्बिटरी पॉइंट भी ये दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से चार्ज चला जाएगा। तो सीरीज सीरीज और पैरेलल डट। चलो ये क्वेश्चन पूछा नहीं उसने, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं पूछे। क्वेश्चन है कि चलो ये एक बैटरी है, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर हो गई, कैपेसिटर यहाँ पर चार्ज होंगे, तो आपको कोई आर्बिटरी दो पॉइंट्स दिए ए एंड बी। तो ए के ऊपर पोटेंशियल वी ए, बी के ऊपर पोटेंशियल वी बी, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वी ए माइनस वी बी। ये क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो टेक्निक, देखो क्या यूज की। ये एक बैटरी है, बैटरी 12 वोल्ट की है। ज्यादातर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो बड़ा टर्मिनल है वो 12 वोल्ट पॉजिटिव लिया जाता है, और जो छोटा नेगेटिव है वो 0 वोल्ट लिया जाता है, 12 और 0, ताकि डिफरेंस रिमेंस 12 वोल्ट। तो नेगेटिव 0 पोटेंशियल, कोई फर्क, अब V1 V2 लेना चाहते हो V1 V2 ले लो, मैंने 12 और 0 ले लिया, तो ये ज्यादा बेटर है। ये 12 वोल्ट है, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट जंक्शन हो गया। अगर ये 12 वोल्ट है तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट आएगा, ये जो प्लेट आएगी, ये भी कितने वोल्ट पे होगी? 12 वोल्ट पे हो जाएगी। और ऐसे ही ये अगर 12 वोल्ट है तो ये भी 12 वोल्ट पे ही हो जाएगा, ठीक है यहां तक? उसी तरीके से अगर ये VA है तो ये प्लेट भी कितने पोटेंशियल पे हो जाएगी? VA। इधर से ये प्लेट भी कितने पोटेंशियल पे हो जाएगी? VA। अगर ये 0 वोल्ट है तो ये कितने पे हो जाएगी? 0 वोल्ट। और ये कितने पे हो जाएगी? 0 वोल्ट। अगर ये VB है तो ये हो जाएगा VB, और इधर से ये हो जाएगा VB, ठीक है यहां तक? ऐसे ही बनेगा। तो अगर मैं ये पूछूं कि C1 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आंसर क्या होगा? 12 माइनस VA। अगर C2 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो VA माइनस 0। C3 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 माइनस VB। और C4 में कितना है? VB माइनस 0। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब ये बताओ C1 और C2 का चार्ज क्या रहेगा? सेम। वो क्यों? बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, सही है? तो इस पे चार्ज होगा क्या? चार्ज होता क्या है बताओ? Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो इसकी कैपेसिटेंस है 8 × 10 की पावर जो भी है -6 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 माइनस वी है। ये देखो C1 इंटू 12 माइनस वी है, ये इसका क्या आ गया? चार्ज। इसका चार्ज कितना आएगा? C4 यानी कि C2 इंटू वी ए माइनस 0, राइट? तो चार्ज की वैल्यू क्या कर दी? सेम। तो जब चार्ज यहां सेम किया, C1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, C1 C2 दोनों गिवन है, रादर यहां से सॉल्व करके क्या आ गया? वी ए। मेरे से आंसर गलत है कुछ, वी ए निकाल लेना जो भी सही है। पर आपको ये बात समझ में आई कि VA कैसे निकले? ये आ रहा है क्या? 6 8 है, अच्छा 8 आ रहा है, ओके। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? एक आंसर आ गया। अब ये बताओ कि इसका चार्ज भी एग्जैक्टली सेम है, तो इस पे चार्ज क्या होगा? C3 इंटू C3 का पोटेंशियल डिफरेंस 12 माइनस VB। इस पे क्या होगा? C4 इंटू C4 का पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस 0। ये देखो इक्वेट कर दिया, C4 C3 क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्व करके VB आ गया, और फिर VA माइनस VB कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है?